The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंसर की। क्या आपका खाने पीने के, क्या आपकी डाइट कैंसर प्रिवेंट कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है? जी हां, देखिए रिसर्च ये बताती है कि एक हेल्दी डाइट से आप कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं, साथ ही दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का प्रॉब्लम, उसके रिस्क कम कर सकते हैं। भाई एक अच्छी गुड न्यूट्रिशन हेल्दी बैलेंस डाइट से आप अच्छा वेट मेंटेन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और खासकर जो लोग मोटे हैं, ओबेस है, ओवरवेट है, उनको बहुत सारी बीमारी का रिस्क है, कैंसर का भी रिस्क है। इसीलिए ये बोला जाता है कि आप एक हाई फाइबर लो फैट डाइट खाएं जिसमें प्रोटीन्स भी हो और साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करें, ताकि ना सिर्फ आप हेल्दी रहें, आपका वजन भी कम हो और मेंटेन रहे हमेशा, राइट? तो क्या कोई ऐसे खाने पीने की चीजें हैं, क्या ऐसी डाइटरी चॉइसेस हैं जिससे आपका कैंसर का रिस्क कम होगा? एब्सोल्युटली। देखिए रिसर्च चल रही है, रिसर्च ये बताती है डाइट और हेल्थ में कि कई सारी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है कैंसर में, और कई चीज़ें आपको एक्चुअली प्रिवेंट करती है। ऑल्दो रिजल्ट्स जो रिसर्च के आए हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब है हर थोड़ा वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। रिजल्ट क्या बताते हैं कि जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं उनके कई सारे कैंसर्स का रिस्क कम होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, मुंह माउथ ओरल कैंसर, इसोफेजियल फूड पाइप स्टमक कैंसर, कोलोन नीचे का इंटेस्टाइन कैंसर। बहुत अच्छा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके बॉडी के लिए। जो लोग मेडिटेरियन डाइट खाते हैं जो कि एक्चुअली प्रूवन है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर, उसमें भी, वो डाइट में भी आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने होते हैं, होल ग्रेन्स, बीन्स और फिशेज, इस पर बेस्ड होती है मेडिटेरियन डाइट। कैल्शियम एंड विटामिन डी भी आपके कैंसर के, कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क कम करते हैं, फॉलिक एसिड भी आपके कैंसर का रिस्क कम करते हैं, तो इनको भी डाइट में आपके रखना चाहिए, राइट? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपनी डाइटरी हैबिट्स आपकी इंप्रूव करें? जी हाँ कर सकते हैं। कैसे? थी रिस्क आपके हेल्दी बैलेंस डाइट से कम होगा, मतलब आपको बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं तो होल ग्रेन्स खाएं, रिफाइंड ग्रेन्स ना खाएं, लेग्यूम्स यानी कि रिफाइंड आटा की जगह आप मल्टीग्रेन आटा खाएं, आप होल व्हीट के ब्रेड लें जब भी ले रहे हैं, लेग्यूम्स यानी दालें खाएं, बीन्स खाएं, मटर खाएं, आप दालें जो भी दालें हैं सारी दालें खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश, मीट, पोल्ट्री, इन हेल्दी चॉइसेस पे रखिए। दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ ले रहे हैं तो लो फैट ऑप्शन लीजिए या फैट फ्री ऑप्शन लीजिए। हेल्दी डाइट रखिए ताकि आप पतले रहें, वजन सही रहे, हेल्दी रहे। फैट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। फैट में गुड फैट ज़्यादा खाने हैं, बैड फैट कम खाने हैं। गुड फैट कौन से होते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट किस में मिलते हैं? कैनोला, ऑलिव, एवोकाडो, पीनट्स और नट्स के ऑयल्स से, इनसे। दालों में भी है थोड़े बहुत, ना सीड्स में भी है, नट्स में है, एवोकाडोज में तो है ही, ऑलिव्स में तो है ही। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है, वो किस में है? वो है कॉर्न में, सनफ्लावर, सैफ्लोवर ऑयल्स में, सोयाबीन में है और नट्स में है, सीड्स में है, लेग्यूम्स अपने दालों में, ग्रेन्स में, उनमें सब में थोड़े बहुत पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो अच्छे हैं आपके लिए। ओमेगा 3 सबसे अच्छे, ओमेगा बहुत ज़रूरी है, ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, उसका एक डिटेल वीडियो भी है। ओमेगा 3 जो है ऑयल्स हैं ज़्यादातर वो फैटी फिशेस में पाए जाते हैं, सैलमन, सार्डिन, मकरेल, इनमें। वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन ऑप्शंस क्या है? फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स, इनमें होते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं आपके हेल्थ के लिए, आपकी डाइट कैंसर प्रिवेंशन के लिए। बैड फैट्स आपको कम खाने हैं, राइट? बैड फैट्स यानी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट्स होते हैं आपके फास्ट फूड, फ्राइड फूड, स्नैक्स वाले फूड्स, बेकरी वाले फूड्स, ये सब बैड फैट्स है, राइट? जो आप सैचुरेटेड फैट्स भी इनमें बहुत ज़्यादा है। सैचुरेटेड फैट्स सारे बुरे नहीं होते, लेकिन उसको कम मात्रा में ले सकते हैं, इसी से आपका वेट भी, कोलेस्ट्रॉल भी, हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स एक सब्सटेंस है जो प्लांट बेस्ड फूड में,
प्लांट बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, और कई एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि ये आपका कैंसर का रिस्क कम करते हैं। ना सिर्फ ये आपकी बोन, हार्ट, ब्रेन सबको सपोर्ट करते हैं फाइटोकेमिकल्स। क्या है ये फाइटोकेमिकल्स? ये है विटामिन सी, फॉलिक एसिड, इसके अलावा आइसोफ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोस्टेरॉल्स और सारे दूसरे फाइटोकेमिकल्स। ये सब कहां से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको ब्रोकली से, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, टोमेटोज, ग्रेप फ्रूट्स, गार्लिक, मटर, पीस, बीन्स, होल ग्रेन्स, नट्स, फ्लेक्सीड्स, इन चीजों से। इन सबको खाइए रेगुलरली, राइट। फिर आपको सोच में आता है कि भाई मैं सप्लीमेंट ही क्यों ना ले लूं, मैं कोई हर्ब्स ही क्यों ना डाल लूं। ऐसा है ना, इट इज वेरी इजी कि दुनिया में बोले गए कंपनियों के या यूट्यूब वीडियोस के क्लेम्स पे एक्साइट होके इन सारे सप्लीमेंट्स को डाल लेना अपने डाइट में, हर्ब्स को डाल लेना कि मेरे कैंसर क्योर, प्योर, प्रिवेंट होगा, क्योर हो जाएगा। लेकिन ये सब मार्केटिंग के क्लेम्स हैं, इनके कोई प्रूवन बेनिफिट्स नहीं होते हैं, राइट। सो इनको बिना सोचे समझे, बिना अपने डॉक्टर से बात करे एकदम से कोई भी हर्ब्स या कोई भी मल्टीविटामिन्स अपने डाइट में डायरेक्टली मत डालिए, राइट। अगर आप डालते हैं तो कई बार एक्यूट एक्सट्रीम चेंजेस अगर डाइट में करते हैं तो नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो डॉक्टर से बात करें, अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये चीज़ सेफ है तभी आप लीजिए। क्या कोई खाने पीने की चीज़ है जो आपका रिस्क बढ़ा देगी कैंसर का? जी हाँ भाई, देखिए जो चीज़ रिस्क प्रिवेंट करेगी उसमें तो रिसर्च थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंट रिसर्च है, क्लियर एविडेंस है कि ये चीज़ें जो ज़्यादा खाता है उसको कैंसर का रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट? हैवीली प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड। बेसिकली प्रोसेस्ड फूड मतलब प्रोसेस्ड मीट, मतलब मीट लिया, चिकन मटन लिया, उनका कोई प्रोसेस करके कुछ और ही बना दिया, जैसे हैम, बेकन, सॉसेज, सलामी, बोलोंगना, ये सब बना के फिर वो बेकार है, उसको नहीं खाना है। वो आपके कैंसर जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है अगर आप उसे रेगुलरली खाओ। रेगुलरली नहीं, कभी कभार एक आध बार खा लिया तो नहीं, रेगुलरली खाओगे तो रिस्क बढ़ेगा। और कौन सी खाने पीने की चीज़ें? अगर आप सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स ज़्यादा खा रहे हो तो आपका वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा, ओवरवेट, तो रिस्क बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। और क्या बढ़ाएगा रिस्क? अल्कोहल, दारू पीने वाले। जी हाँ, अल्कोहल कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ईसोफेगस फूड पाइप, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, सारे कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं अल्कोहल ज्यादा पीने से। इसलिए मेल्स को, आदमियों को दो ड्रिंक्स से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए एक बार में, और वुमेन्स को एक ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए एक दिन के अंदर। एक ड्रिंक कितना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरा वीडियो है अल्कोहल सेफ लिमिट, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ढूंढने के लिए कोई भी वीडियो, टॉपिक प्लस डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें आपको करनी है कैंसर प्रिवेंट करने के लिए। सो देखते रहिए डॉक्टर, हमारे डॉक्टर एजुकेशन के वीडियोज शेयर करना मत भूलिए। कैंसर प्रिवेंट करना है तो अच्छा हेल्दी जीना पड़ेगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।